वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करने वाला हूं, आपकी डिमांड पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप सबने मुझसे पूछा था कि सर गल्फ में एक एसी मैकेनिक कितना कमाता है और एक एसी मैकेनिक का सफर कैसे शुरू होता है, जीरो से लेकर के और हीरो बनने तक का सफर जरूर बताएं। तो डियर स्टूडेंट्स बने रहिए हमारे साथ, आज मैं बताऊंगा कि एक व्यक्ति एसी मैकेनिक कैसे बन सकता है, कितना रुपया कमाता है, उसे जॉब कैसे मिलता है, फ्री वीजा कैसे मिलेगा और पूरे एक साल में वह कितना बचत कर लेता है और गल्फ में उसके खर्चे कितने हो जाते हैं। ये तमाम बातें ऐसी क्वेश्चंस हैं जो हर एक कैंडिडेट जानना चाहता है। क्या आप जानते हैं कि एक साल में कितना कमा लेता है एक एसी मैकेनिक? शायद ये क्वेश्चन भी काफी जिज्ञासा वाला है। एसी मैकेनिक बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या कोई भी व्यक्ति एसी मैकेनिक बन सकता है? क्या कोई भी व्यक्ति इस काम को कर सकता है? तो जवाब बिल्कुल नहीं। हर किसी के बस की बात नहीं है कि वह यह जॉब कर पाए। हाँ, कुछ ही लोग होते हैं जो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, जिनमें कुछ जज्बा होता है, वही कर पाते हैं। बाकी तो जिस तरह से दुनिया की भीड़ चल रही है, लोग चलते ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन जो आएगा, कितना खर्च लग जाता है कोर्स करने में, मैं एग्जैक्ट बताऊंगा और पूरे साल में आपका कितना खर्च लगता है ये पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ, चलिए इस सफर पर लेके चलते हैं आपको और गल्फ के सफर में आप ये देखेंगे कि एसी मैकेनिक कितना कमाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ एसी मैकेनिक की सैलरी। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि एसी मैकेनिक की सैलरी जो मैं बताने जा रहा हूँ किस आधार पे बताने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, एसी मैकेनिक की यह सैलरी मैं SSTMs जो है, SST इंस्टीट्यूट से पास किए हुए कैंडिडेट जो इस समय गल्फ में काम कर रहे हैं, उन्हें हाल ही में जो जॉब मिला उस आधार पे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उनकी सैलरी कितनी लगी। यहां जो मैं सैलरी बता रहा हूं वह मिनिमम सैलरी बता रहा हूं, वो आप देखिए और पूरा आप ध्यान से समझिए कि वास्तव में यह सैलरी कितना हो जाता है इंडिया का। तो अभी जो हाल ही में इंटरव्यू हुआ, फ्री वीजा के रूप में बच्चे गए एसएसटी से पास आउट जो कैंडिडेट थे, जो एयर कंडीशन मैकेनिक थे, एक साल का कोर्स उन्होंने किया, कंप्लीट किया, उन्हें जो सैलरी लगी वह 3100 रियाल लगा। रियाल गल्फ में चलता है, सऊदी रियाल है, ठीक है, ये चलता है 3100 रियाल उसकी सैलरी लगी प्रतिमा। अब सवाल ये उठेगा कि 3100 रियाल अगर लगा तो क्या ये रुपया है, रियाल है, इंडिया में कितना हो जाएगा? चलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं उसे भी बताता हूं। एक रियाल की कीमत इस समय जो है वह है 21.93 रुपए, भारत का 21.93 रुपए के बराबर एक रियाल की कीमत होती है। अब आप तो समझ सकते हैं अगर 3100 रियाल को हम कैलकुलेट करें तो हमारा जो एक महीने की सैलरी निकल के आती है ये आती है कितना, 67,973.83 रुपए की सैलरी निकल कर आती है एक महीने की, ठीक है डियर फ्रेंड। इसमें ओवर टाइम नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें केवल बेसिक सैलरी जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बच्चे गए उनके उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ और वे स्टूडेंट्स ये सैलरी अभी पा रहे हैं। तो 3100 रियाल वो पा रहे हैं और भारत का जो है वह 67,973.83 पैसे उन्हें मिल रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कि 12 महीने में कितने हो जाएगा, तो इसी को हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक एसी मैकेनिक जो अभी हाल ही में पास आउट होकर गया है एसएसटी इंस्टीट्यूट से, वो भी फ्री वीजा पर, वह एक साल में कमाएगा 8,15,687.16 रुपए वो कमा लेगा। बड़ी अच्छी सैलरी है, बहुत ही आकर्षक सैलरी है। आप समझिए कि 8,15,687.16 रुपए कमाना एक साल में। अब आप ये सोच रहे होंगे केवल सर ये तो कमाई हो गया, खर्च कितना बचेगा? खर्च भी तो होगा, इतना कहाँ बच पाएगा? बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, इतना बिल्कुल नहीं बच पाएगा, खर्च भी होते हैं। हर महीने आपके खर्च हो जाएंगे 7,500 और ये 7,500 में एक खर्च जो बता रहा हूँ ये मैक्सिमम खर्च बता रहा हूँ। भाई देखो खर्चा क्या होता है आपका, आपका खाने का खर्चा होगा और मोबाइल का खर्चा होगा, ये दो खर्चे होंगे। इस दो खर्च के अलावा आपके पास कोई खर्चा नहीं है। कंपनी की गाड़ी होती है, कंपनी रहने का जगह देता है, देती है, सारी चीजें कंपनी की होती है, सिर्फ खाने का और आपको अपना मोबाइल खर्च आपको खुद वहन करना होता है। तो मैक्सिमम 7,500 रुपए में एक महीना आपका निकल जाता है, यानी 12 महीने में अगर आपका खर्च कितना होता है, लगभग 90,000 रुपए हो जाते हैं। इससे अधिक नहीं होंगे, कम होंगे, इससे अधिक नहीं होंगे। अगर कुछ और भी आदतें आपको अच्छी आदतें हैं खाने पीने वाली तो शायद पैसा और भी बढ़ सकता है, लेकिन बट
मैं जो एक बात कर रहा हूँ बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि कितना एक स्टैंडर्ड है जिसको आप पर लगेगा, खाना लगेगा, मोबाइल का फोन का भी, मोबाइल की जरूरी है आज के समय में, खाना भी जरूरी है, तो दो ही खर्चे हमारे लगते हैं, बाकी काम के अलावा कोई तीसरा खर्चा नहीं होता है। अब मैं बात कर लेता हूं इसके बाद से, तो आपकी बचत क्या होगी, 90,000 रुपए मान लीजिए एक साल में आपने खर्च कर दिया, आप पाए कितना, 8,15,687.16 रुपए पा गए। तो अगर इसमें से आप 90,000 रुपए को निकाल दें तो हमारे पास जो शुद्ध बचत आती है वह आती है 7,25,687 रुपए की आपकी बचत हो जाती है। ठीक है, ये पैसे आपको बच जाते हैं। अब देखो, आप दो साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप तो दो साल के लिए गए हो, दो साल में कितना कमा लोगे, तो दो साल में 14,51,314 रुपए आप कमा सकते हो। ये पैसे आपके पास डेफिनेटली बचेगा और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पैसा तो आपका बचेगा ही बचेगा, इसके अलावा भी लगभग 6-7 लाख रुपए और आपके ऐड हो जाएंगे। अब वो कैसे हो जाएंगे, आप जरा इसे भी समझ लीजिए। ये पूरी जो 3100 रियाल की मैंने बात किया, ये केवल सैलरी है, इसमें ओवर टाइम नहीं है। अगर ओवर टाइम को हम जोड़ लें, ओवर टाइम एक घंटे की ओवर टाइम की अगर हम बात करें तो कम से कम 6-7 लाख रुपए इसमें और जुड़ जाएंगे, यानी टोटल आपकी बचत लगभग हो जाती है 20 लाख से ऊपर हो जाती है, यानी 20-22 लाख रुपए आपके बच जाते हैं। उस अकॉर्डिंग अगर आप तय करें कि अगर देखें तो 12 महीने का एक साल होता है और लगभग 22 लाख रुपए आप बचा रहे हैं, तो पूरे में कैलकुलेट आप कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितना रुपया पर मंथ होता है। बहरहाल अब तक आपको पूरी आइडिया लग चुका होगा कि एक एसी मैकेनिक दो साल के अंदर लगभग 20-22 लाख रुपए, यानी समथिंग 22 लाख रुपए वो बचाएगा। ये 3100 रियाल की जो सैलरी मैंने डिस्कस किया वो एसएसटी इंस्टीट्यूट से पास किए हुए कैंडिडेट जो गए हैं, जो 2023 में गए, फ्री वीजा पर गए और बहुत अच्छे तरीके से वो नौकरी कर रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल बहुत ही मजे से गुजर रही है और एक प्यारी सी स्माइल उनकी फैमिली के ऊपर भी है और फिर उनके चेहरे पे तो बेशक होगी। अब कुछ लोगों की तो अब शादियां भी तय हो गई हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा विलंब होगा क्योंकि दो साल का समय है, दो साल के बाद आने के बाद ही आपकी शादी होगी, तो उस शादी की मिठाई खाने के लिए हम सब आएंगे और आपसे मैं रूबरू भी कराऊंगा उस समय कि वास्तव में ये 3100 रियाल पाने वाले वही कैंडिडेट हैं, वही स्टूडेंट्स हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कि एसी मैकेनिक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या हर कोई एसी मैकेनिक बन सकता है, एसी मैकेनिक बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब देखो पूरा सफर में बताऊंगा। देखो एसी मैकेनिक अगर बनना चाहते हैं तो कम से कम आपको एडवांस लेवल का कोर्स करना जरूरी होता है और यह कोर्स लगभग 12 महीने का होता है। हाई स्कूल के बाद आप इस एडवांस लेवल के कोर्स को कर सकते हैं, बहुत इजी होता है, हिंदी मीडियम में आपकी ट्रेनिंग होती है, पूरी प्रैक्टिकल के साथ होता है, वर्कशॉप के साथ होता है और जो डायनेमिक मॉड्यूल्स है, जो वर्तमान समय की डिमांड है उसके आधार पर होता है ताकि आपको काम करने में कोई दिक्कत ना आए। देखो जब आप लाजवाब बनोगे, जब आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, जब आपकी ट्रेनिंग अच्छी होगी, जब आपको नॉलेज अच्छा होगा तो निश्चित रूप से आपको सैलरी भी बहुत अच्छी मिलेगी। बहुत से लोग हैं जिन्हें सैलरी आज भी एसी करने के बाद, कुछ लोग ऐसे हैं जो बाय लक गए वहां पे और कहीं ना कहीं पेड वीजा पर ही गए, लेकिन आज भी उनकी सैलरी की अगर हम बात करें तो किसी की सैलरी 1200 रियाल है, किसी की सैलरी 1500 रियाल है। तो भाई वजह क्या है कि उनकी 1200 और 1500 रियाल हो गए और एसएसटी इंस्टीट्यूट से पास होने के बाद से आपकी जो सैलरी बढ़ती है वो काफी बढ़ गई, तो उसके कई कारण है। अगर मैं बात करूं कि आपको कोर्स कहां से करना चाहिए तो मेरा एक ही जवाब होगा कि आपको एसएसटी इंस्टीट्यूट से कोर्स करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है और काफी बेनिफिशियल होगा। कब होगा, ये बार बार होगा, एक कहावत कहा जाता है, जरा देखो, एक हमेशा आपने भी कहा, बहुत से लोगों ने सुना कि अगर हम कोई चीज सस्ता खरीदते हैं तो एक बार तो मुझे अच्छा लगता है, चलो हमने कोई सस्ती चीज ले ली, अगर कोई चीज महंगी खरीदते हैं थोड़ा सा तकलीफ तो होता है यार, महंगा तो हुआ। तभी तो गांव में या फिर हमारे इंडिया में एक कहावत है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो कहने का मतलब अगर सेकेंड हैंड गाड़ी ले लेते हो तो रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी, लेकिन न्यू गाड़ी लेते हो, न्यू ब्रांड लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 साल मजे से चलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक वही सिचुएशंस में आपको यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोर्स अगर एसएसटी इंस्टीट्यूट से करते हैं तो समझिए न्यू ब्रांड आपने कार ले लिया और फिर आप एक एटीएम के मशीन बनते हो और पैसे छापने का काम शुरू कर देते हो। तो कोर्स करने का फायदा, एसएसटी इंस्टीट्यूट ही क्यों, एक क्वेश्चन और आता है,
क्यों SST इंस्टीट्यूट से ही हम करें, क्या कोई और कॉलेज नहीं है जो करा सकता है? बिल्कुल करा सकता है सर, आप बिल्कुल फ्री है। SST इंस्टीट्यूट तो आपको जॉब की गारंटी भी नहीं देता है, हम इस टर्म पेपर पर लिख के आपको गारंटी भी नहीं देते हैं कि हम आपको जॉब देंगे या जॉब दिलाएंगे, हम तो सिर्फ ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। SST इंस्टीट्यूट केवल ट्रेनिंग देने का काम करती है, जॉब तो वो दिलाती नहीं है, ना जॉब का हम कमिटमेंट करते हैं। अगर आप उससे पूछते हो कि सर जॉब मिलेगा, मैं बिल्कुल कहता हूं कि भाई ये तो आप बता सकते हो, मैं कहां से बता पाऊंगा जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है कि नहीं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको जॉब की गारंटी भी दे रहे हैं, आपको स्टम्प पेपर पे लिख के गारंटी दे रहे हैं, लेकिन फिर वही कहानी होती है कि जो सैलरी लगती है, खुदा ना खास्ता अगर, पहली बात तो जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस समय जो सऊदी की काउंसिल है, यूएई की काउंसिल है, जो गल्फ की काउंसिलें हैं, उन्होंने बिल्कुल इन सब चीजों पे फर्जी सर्टिफिकेट और उन सब चीजों पे बैन लगा दिया है। उसमें अगर आप जा रहे हैं, अगर SST का सर्टिफिकेट है तो पहली प्राथमिकता मिलती है। वजह क्या है? क्योंकि दुनिया के सभी क्लाइंट और कंपनी ये बखूबी जान सकते हैं, जान चुके हैं कि अगर हमें जाना है और एक अच्छी सैलरी पाना है तो हमें SST का सर्टिफिकेट हमारे पास होना बहुत ही जरूरी है। अगर SST का सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपकी सैलरी उतनी अच्छी नहीं लगेगी और कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहेगी। तो अगर सैलरी अच्छा चाहिए तो SST का सर्टिफिकेट जरूरी है आपके लिए। SST का सर्टिफिकेट होने का मतलब क्या है? SST का सर्टिफिकेट होने का मतलब है कि आप एक वेल ट्रेन्ड कैंडिडेट है, परफेक्ट कैंडिडेट है, आपने रेगुलर वे में हर चीज किया हुआ है, असाइनमेंट किया हुआ है, प्रैक्टिकल किया हुआ है, वर्कशॉप किया हुआ है, केस स्टडी किया हुआ है और तमाम चीजों की नॉलेज भी आपको है। तो ये सारी चीजें, अब जब सवाल ये उठता है ये सारी चीजें कहां मिलेंगी, तो ये सारी चीजें एक जगह आपको मिलेंगी और वह है SST इंस्टीट्यूट। इसके बाद और भी फायदे आपको मिलते हैं, यहाँ फर्स्ट एड की चीजें भी जानकारी मिल जाती है आपको, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग आपको हो जाती मिल जाती है, इसके साथ साथ इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी आपको हो जाती है, वो भी बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी एक्स्ट्रा चार्ज दिए हुए। लगभग 3000 जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उन पर आप डिस्कशन करते हैं, आप क्लाइंट कहीं से भी क्वेश्चन करे आपसे, किसी भी तरह से पूछे, चाहे वो आपसे एवापोरेटर के बारे में पूछे, चाहे वो कंडेंसर के बारे में पूछे, चाहे वो हाई प्रेशर के बारे में पूछे, चाहे वो लो प्रेशर के बारे में पूछे, किसी भी तरह का क्वेश्चन, किसी भी फॉल्ट के बारे में पूछे, SST के जो कैंडिडेट होते हैं एक क्षण में वो बताएंगे इसका जवाब क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको एक ही छत के नीचे मिल जाती है, इसलिए SST इंस्टीट्यूट आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। वन कीपर, एक कीपर वेरिफिकेशन होता है, वन कीपर आपको काउंसिल वेरीफाइड कर देती है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है। और अगर कहीं सपोज करिए कहीं से क्लाइंट इंटरव्यू आ गया तो आपको बेहतर आ गया, तो बेहतर ये होता है कि आपको फ्री वीजा भी मिल जाता है, यानी आपको वीजा का भी पैसा नहीं देना है। तो डियर स्टूडेंट, कमाल की बात है, जब इतनी सारी चीजें एक जगह मिलती है तो फिर हम दूसरी जगह क्यों जाए, हमें दूसरी जगह जाने की आवश्यकता क्या है? अब एक अहम सवाल आता है, कोर्स करने में कितना खर्च लग जाता है? तो डियर स्टूडेंट देखिए, वहां पे जब कोर्स करने की बात मैं बताऊं तो एक नॉर्मल लेवल की मैं बात करूंगा तो कोर्स करने में आपका, आपके जो खर्च लगते हैं वह 18,000 रुपए से लेकर के और लगभग 45,000 रुपए तक की आपके खर्चे आ जाते हैं, इसमें आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें कई दो लेवल्स हैं, लेवल वन लेवल टू की मैं बात करूं तो लेवल वन का करेंगे जाहिर सी बात है आपके फीस कम लगेगी लेकिन सैलरी भी तो कम हो जाएगी, लेवल टू करते हैं थोड़ी सी फीस तो आपकी अधिक होती है लेकिन आपकी सैलरी भी तो काफी लाजवाब होती है, आपकी सैलरी भी तो बहुत अच्छी होती है। जरा सोचिए कि जब वो सैलरी, लाजवाब सैलरी लोगों को कहते हुए आप सुनेंगे कि हाँ वो कितना कमाता है, तो भाई 66,000 रुपए कमाता है। कितना कमाता है? 80,000 रुपए कमाता है। अरे अब तो 5 साल का अनुभव हो गया, अब तो लाखों में कमाता है, तो बड़ा सुकून मिलता है और फिर सुकून के साथ साथ एक अच्छी स्टेटस को भी शो करता है। तो डियर फ्रेंड, AC मैकेनिक बनना बहुत ही आसान है, आप कहीं से भी हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में कोर्सेज अवेलेबल है पूरे प्रैक्टिकल के साथ। अब सवाल ये उठेगा आपके सामने कि सर ऑनलाइन करेंगे तो हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? ऑनलाइन करेंगे तो थियरी तो आपकी ऑनलाइन हो जाएगी, प्रैक्टिकल आपको वर्कशॉप में मिल जाएगा और वर्कशॉप आपके सिटी में नजदीक में जो भी SST का वर्कशॉप ट्रेनिंग होगा आप वहां जाके कर सकते हैं, बहुत ईजी है। दुबई में है, दुबई में भी कर सकते हैं, आप इंडिया में, इंडिया में कर सकते हैं, आप कहीं भी है किसी भी स्टेट में वहां से कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकल आपका बहुत ही बेहतर स्थिति में हो जाता है। अगर पहले से आप कहीं काम कर रहे हैं, जैसे AC का काम कर रहे हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो
तो आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप पढ़ाई करते हुए ऑनलाइन मोड में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। वर्कशॉप होता है उसे ज्वाइन कर लीजिए और बखूबी आपको मालूम है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे और आपके प्रश्नों का जवाब भी आपको मिल चुका होगा। अब सवाल पैदा होता है कि एडमिशन कैसे कराएं। एडमिशन कराना भी बहुत आसान है आपके लिए, कुछ नहीं करना। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को कॉलेज को भेज देना है, अपनी पेमेंट जमा करा देनी है और 5 मिनट के अंदर आपका एनरोलमेंट आईडी क्रिएट हो जाएगा, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। यानी यूं कहा जाए कि 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी क्लासेज भी स्टार्ट हो जाती हैं और आपकी एडमिशन भी क्लियर हो जाता है और फिर दुबई का फ्री वीजा की लाइन में आप लग जाते हैं कि हो सकता है जो आने वाला वीजा है, जो अभी आने वाले इंटरव्यूज हैं उसमें आपका नंबर पहले स्थान पे हो। तो अगर बेहतर करना चाहते हैं, बेहतर सैलरी पाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली SST इंस्टीट्यूट आपके लिए बेहतर साबित होगा, एक बेहतर कॉलेज साबित होगा। इसी के साथ डियर स्टूडेंट, मैं इजाजत चाहूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा आपके क्वेश्चन का जवाब लेकर के। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लर्निंग।